पहला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात में हमला होता है, उत्तर प्रदेश में बदला लिया जाता है। जी हां, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को उसी के गढ़ में घुसकर मात देने की कोशिश में लगी हैं। इसीलिए आज राहुल गांधी को घेरने अमेठी की पिच पर बीजेपी की तरफ से तीन दिग्गज उतरे और तीनों ने तीखे हमले किए। शहजादा बनाम शाहजादा की जंग जबरदस्त चली। आज इस अमेठी की धरती पर से मैं कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी को भी पूछना चाहता हूं, तीन तीन पीढ़ियों तक आपको अमेठी की जनता को ने वोट दिया, आप हमारे तीन साल के हिसाब मांगते हो? राहुल बाबा, मोदी जी ने तीन साल में क्या किया? ये अमेठी की जनता तीन पीढ़ी का हिसाब मांगती है आपसे कि तीन पीढ़ी तक आपने क्या किया। शायद अमेठी का नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है उन लोगों को जो आज देश भर में घूमकर विकास पर भाषण देते हैं लेकिन अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते। 2014 में मोदी जी की सरकार आती है और जादू से महीनों में अमित शाह जी के बेटे की कंपनी 50,000 रुपए को 80 करोड़ रुपए बना देती है। इसी कंपनी को अनसिक्योर्ड बैंक लोन दिया, पीयूष गोयल गोयल जी की मिनिस्ट्री ने दिया। चौकीदार के सामने चोरी हुई है, चौकीदार के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? सवाल है, चौकीदार है या भागीदार है? राहुल गांधी आजकल बड़े तीखे तेवर दिखा रहे हैं। ये तेवर दिखा रहे हैं गुजरात में, इधर पूरे के पूरे मठाधीश बीजेपी के कह लीजिए पहुंच गए अमेठी उनके गढ़ में उनको चुनौती देने के लिए। दो खास मेहमान और प्रबल प्रवक्ता अपनी पार्टियों के, संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आपके साथ शुरू करते हुए संबित पात्रा जी, ये राजनीति की कैसी रीत चली है? उधर राहुल गांधी पहुंचे गुजरात तो आपके दिग्गज पहुंच गए अमेठी। देखिए, पहली बात है, जहां तक आपका सवाल था कि क्या गुजरात का बदला अमेठी में लेंगे, बिल्कुल नहीं, गुजरात में ही बदला लिया है। आप देखिए, गुजरात में आज उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, 8 उपचुनाव हुए हैं, 8 में से 6 भारतीय जनता पार्टी जीती है, 3 गुना बढ़त है और कांग्रेस की सीट आधी हो गई है। तो मात तो गुजरात में हो ही गया, अब गढ़ में घुस के मारेंगे। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और मैं आज आपको बताता हूं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, आप देखिएगा अमेठी में जब 2019 के चुनाव होंगे कांग्रेस अर्थात कांग्रेस के सहजादे राहुल गांधी के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ऐसी हार के पैरों तलों की जमीन खिसक जाएगी। संजय जी, ना ना, सुनने में तो मिल रहा है कि अमेठी में वो लड़ना नहीं चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने लिए दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढ रहे हैं। ऐसा है, 5 सीट विधानसभा की हार चुके हैं इस बार विधानसभा में, संजय 5 सीट हारे हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है? संजय जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की बहुरानी श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी आज तक कोई लोकसभा नहीं जीती है। पिछली लोकसभा में राहुल गांधी जी ने उनको धूल चटाई है। ये बहुरानी बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? के बेटे के घोटाले के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। पड़ गई आप जब अब आप सिर्फ श्रीमती सहजादा बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? कसना बंद कर दीजिए। आपको सहजादा बोलने की क्या, आपको सहजा आप डोंट करना बंद करो। सहजादा बोलेंगे, सहजादा बोलने का किसी ने अधिकार दिया? प्रयोग नहीं किया बिल्कुल, तो मैं भी बहुरानी बोलूंगा। दो शब्द का प्रयोग तो मैं भी बहुरानी बोल रहा हूँ, सुनिए, ये शब्द आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। आपने आपने इससे पहले इसी चैनल पे स्मृति जी के लिए जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया था, संबित, मैं आपको वार्निंग देता हूँ, ये हिम्मत मत कर लीजिएगा, ये बहुरानी बोलने की हिम्मत मत कर लीजिएगा। अरे तुम्हारे जैसे कितने लोग देके वार्निंग देने वाले, छोड़ो ना, क्या वार्निंग दे रहे हो, पूरे देश की जनता तुमको वार्निंग दे रही है। खिलवाड़ करना बंद करिए। अच्छा, अमेठी में छोटे स्तर के अरे कभी सास भी कभी बहुत ही हीरोइन थी, तो बहुरानी बोलना कौन सा पाप है भाई?
वो बहुरानी के तौर पे ही जानी जाती हैं। आपने बहुरानी के तौर पे उनको बीजेपी में लिया और नेता बनाया। भाई आप वही व्यक्ति है ना जिन्होंने स्मृति ईरानी के लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया था। आपके अमित शाह, आपके अमित शाह और स्मृति ईरानी जो अमेठी में कोहराम मचा रहे हैं, उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि जरा बनारस जाते और वहाँ की छात्राओं पे जो हमले हो रहे हैं, उन छात्राओं की इज्जत बचाने, उन छात्राओं की सुरक्षा के ऊपर कुछ काम करते हैं। गोरखपुर में बच्चे बेचारे मारे जा रहे हैं, गोरखपुर जाने की फुर्सत नहीं है, बनारस जाने की फुर्सत नहीं है। लेकिन मंत्री महोदय बहुरानी अमेठी में जाकर के एक प्रचार करने में लगी है, क्योंकि अमेठी में अभी इनको धूल चटाया गया। पिछली बार अमेठी में धूल चटाया गया, इस बार पूरे देश में बीजेपी को धूल चटाई जाएगी। रह गई बात गुजरात में, आप अभी कुछ धूल चटाया गया। आप तो वैसे भी कई चुनाव ईवीएम को मैनेज करके जीत रहे हैं, ईवीएम को मैनिपुलेट करके मैनेज करके आप चुनाव जीत रहे हैं। और इस ऐसे चुनाव को जीत करके अगर आपको लगता है कि जनता का विश्वास आपको प्राप्त है, तो माफ करिए, जरा लोगों के बीच जाइए, लोगों के बीच जाइए। लोग कितने नाराज हैं गुजरात में। आज हर दिन लगभग 29,000 लोगों को आप बेरोजगार छोड़ रहे हैं। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, लोग बेरोजगारी घूम रहे हैं। आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी आपने, आपने तमाम उद्योग धंधे बंद कर दिए हैं, आपने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया है। ऐसे में जरा लोगों के बीच जाइए, मुंह दिखाने के लायक नहीं है बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग कहते हैं कि लोगों के बीच जाके ये कहने में हमको शर्म आती है कि हम बीजेपी के हैं। और आज अमेठी क्यों गए आप? क्योंकि राहुल गांधी गुजरात में अमित शाह के बेटे के घोटाले आने का प्लान बना रहे हैं, क्या हमले कर रहे हैं? अमित शाह के बेटे ने जो मनी लॉन्ड्रिंग किया और 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए का धंधा कर लिया, उस धंधे के ऊपर पूरा गुजरात उनको उनके ऊपर सवाल उठा रहा है। और जब इन सवालों को हमने लोगों के सामने रखा, तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह छुपाने के लिए अमेठी में जाकर के कोहराम मचा रही है, तमाशा कर रही है। अगर बीजेपी को यूपी के लोगों की चिंता है, तो बेशक वो जाए बनारस, बेशक वो जाएं गोरखपुर, लेकिन उनको बनारस यूनिवर्सिटी की छात्राओं संबित पात्रा जी, ये अमेठी का गोरखपुर के नन्हे नन्हे बच्चे जो बेचारे जिनकी जान चली गई, उसकी चिंता नहीं है। संबित जी, अमेठी का दौरा पहले से तय था या वाकई बाद में सेट किया गया सब प्लान ताकि काउंटर किया जा सके गुजरात विजिट को राहुल के? देखिए पहली बात मैं आपको आज एक ऐलानिया तौर से कहता हूँ, आदर पूर्वक कहता हूँ, मैं बिल्कुल अहंकार के मारे नहीं कह रहा हूँ। हाँ। जिस प्रकार का भाषण कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, अभी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अहंकार से एकदम से अहंकार में डूबी हुई है। इनको पहले बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अहंकार के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, पहले फिर क्योंकि आप पूरे देश में अहंकारी नेताओं के तौर पे जाने जाते हैं। और चलिए अब एक सेकंड, अब मुझे लगता है मुझे इस बहस में बीच में आना चाहिए, मुझे इस बहस में बीच में आना चाहिए। एक सेकंड, आप दोनों को क्या एहसास है? एक सेकंड, ये जो हम लफाजी, एक सेकंड, चिंता छोड़ो, एक सेकंड, संजय जी, आपके राज में संबित जी, आप दोनों ये बात नेता जैसे शब्द को, नेता आप गिरोगे तो आपको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप दोनों जब बोले बीच में तीसरा कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी, तीसरी बार कोशिश कर रही हूं। नेता शब्द का आप अर्थ समझते हैं, नेता को पलट दीजिए ताने बन जाता है, और ताने देने में जो महारथी हो वही देश में नेता बन जाता है। और यही परिस्थिति है, जब भी किसी प्रवक्ता को किसी पार्टी का बुलाइए, आप मुद्दे पर बात कीजिए उस पर देंगे नहीं, जवाबदेही पर सवाल कीजिए उस पर कुछ आएगा नहीं, एक से एक इधर की उधर की बातें होंगी, कोई शहजादा कहेगा, कोई बहुरानी कहेगा। और इसीलिए शायद ये सवाल उठता है कि इस देश का नेता इस देश को किस तरफ ले जा रहा है। आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि कृपया मुद्दे पर टिके रहें, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात हो रही है, नाम लेकर बात करें, हर किसी को नए नए शब्द और पर्याय देने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि हम भ्रष्टाचार, नौकरियां, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी को कितने लोग स्वीकार रहे हैं इन बयानों की वजह से? संजय निरुपम जी, अभी तक आप कहते थे कि नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे भाषण देते थे, अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं सर? हर जगह माहौल ही बनाते रहते हैं, बीच में रह गई थी संजय जी, हर जगह माहौल ही बनाते रहते हैं। मेरी बात बीच में रह गई थी। राहुल गांधी जी, अब मैं जरा जवाब देता हूं। अंजना जी आपने दोनों को डांटा है, अब मुझे जरा जवाब देने दीजिए। आपने बीच, अंजना जी आपने दोनों प्रवक्ताओं को डांटा है, अब उस बीजेपी के जो अधिकारी प्रवक्ताओं को बोलिए थोड़ा शांत रहो और मैं जवाब दूं। एक सेकंड जरा संजय जी इसका जवाब दे दीजिए। हां जी अंजना जी, आप मेरे से सवाल पूछे तो मुझे जवाब दे दीजिए। शाहजादा, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। अंजना जी आपने मुझसे सवाल पूछ जी, यही तो मैंने कहा कि आप साहबजादा बोलना बंद करो, मैं बहुरानी बोलना बंद कर दूंगा।
क्योंकि आप लोगों ने पब्लिक डिस्कोर्स को एकदम गंदा किया है। तो आप भी वही आपने करेंगे। आपने महिलाओं का अपमान किया आपकी गुरु है। आपने नेहरू जी का अपमान किया है, आपने सोनिया जी का अपमान किया है, और आज महिलाओं के सम्मान की बात करने का कोई नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नहीं है। अमेठी में जाके कोहराम मचा रहे हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए। अमेठी के जितनी विकास योजनाएं थी सबको बंद कर दी इन्होंने, इन योजनाओं को लेकर चले गए, एक मंत्री लेकर चले गए रत्नागिरी। जगदीश पेपर प्लांट के साथ क्या हुआ? अब मैं बोल सकता हूँ, अंजना जी आपको बीच में तमाम दो प्रोजेक्ट नहीं तो इस प्रकार कोई सुनने में दो तीन प्रोजेक्ट बता देता हूँ अंजना जी। बिल्कुल अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों एक साथ बोलेंगे, आप गलत अंजना जी बोलेंगे तो दर्शक नहीं सुनेंगे। और मैं अंजना जी, मैं दो तीन संजय जी का डाटा, हम तो बस निवेदन कर रहे हैं। संजय जी बोले जा रहे हैं, आपने मुझसे पूछा था, मैं जवाब दे दूं। अंजना जी एक सेकंड, संजय जी आपने बोल लिया सर। नहीं, मेरे पास एक सवाल रह गया बाकी, वो जरा ठीक है, मैं लूंगी। मैं आपके जो तीन प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं तीनों का नाम से जवाब लेंगे। संबित पात्र पूरा कर देता हूं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा रुक जाइए सर। नहीं नहीं, मैं लौटूंगी सर। अंजना जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है। संजय जी मैं लौटूंगी संजय जी ऐसे नहीं हो सकता है। शांति से बैठ जाइए, आपको अटैक आ जाएगा। संजय जी संबित पात्र जी, आप बड़ा है, मुझे आपको अटैक ना आ जाए। संजय जी एक सेकंड सर, मुझे लग रहा है अभी अटैक आ सकता है और आप गिर सकते हैं। संजय जी अंजना जी रोकिए, मैं करने वाला नहीं हूं। देखिए संजय निरुपम जी प्लीज इनको बैठा दीजिए, पानी वाली दीजिए कोई इनको जरा। इस अनुरोध के साथ कि आप दोनों एक साथ ना बोलें, जल्दी से संजय जी तीन प्रोजेक्ट्स का आप नाम लेना चाहते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको लगता है बीजेपी जानबूझ के देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अमेठी का विकास करना चाहती है तो बिल्कुल हम इसका सहर्ष स्वागत करेंगे, लेकिन पिछले 3.5 वर्षों में जिन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया इस सरकार ने, उसमें दो तीन का नाम लेता हूं। एक था मेगा फूड पार्क, इससे लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला था, लेकिन 14 जुलाई 2014 को इसको बंद कर दे। दूसरा है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये 2005 में सैंक्शन हुआ था, इसका काम चल रहा था, 2016 में इसको बंद कर दिया गया। तीसरा है जगदीशपुर पेपर मिल लिमिटेड, ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इसका लैंड अलॉट हो गया था, MOU हो गया था, लेकिन ये भी इन्होंने बंद कर दिया। और ये पूरा प्रोजेक्ट हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर रत्नागिरी ने, उसके बाद ये राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फो टेक्नोलॉजी, अब वो अंजना जी अब मैं जवाब दे सकता हूं या फिर आप संबित जी जवाब देंगे? संबित जी जवाब, केंद्रीय संबित जी जवाब मुक्त करिए, कोई नहीं, आप संजय निरुपम जी का 1-to-1 कर लीजिए ना। बोल लो जी ऐसे बहिष्कार करके मत बोलो, आप लोग 1-to-1 करिए, कोई नहीं 1-to-1 करिए, 1-to-1 ना बोलो। अब संबित पात्रा जवाब दीजिए, बोलो, बहिष्कार मत करो, घबराओ मत ऐसे। नहीं, पहली बात तो है, देखिए अंजना जी, इसी चैनल पे इसी व्यक्ति ने स्मृति ईरानी जी का पहले बदनाम किया था, अपमान किया था, और आज पुनः कहा कि वो तो टीवी में एक्ट्रेस थी, तो क्या हो गया जो मैंने बहुरानी कहा। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं अंजना जी, हम तो राहुल गांधी को सहजादे कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि स्मृति ईरानी जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का टीवी और एक्टिंग के साथ जोड़ के ये कहेंगे। और मैं आपको भी अनुरोध करता हूं अंजना जी, आप महिला होने के नाते इसका संज्ञान लें और पत्रकार बोलेगा तो कोई जवाब, मेरा बैकग्राउंड पत्रकार का है, मुझे कोई पत्रकार बोलेगा तो आप क्या बोलना चाहते हैं? इतना बुद्धि देश की जनता भी रखती है, आप देखिए सोशल मीडिया में लोग आपके ऊपर उंगली उठा के ये सवाल पूछ रहे हैं कि महिलाओं के साथ इस, आपने कहा कि टीवी में एक्टिंग ही तो करती थी बहू की, तो वो बहुरानी है, अरे उसलिए बहुरानी है तो क्या हो गया, इसमें गलत क्या करती थी, तो कोई अपमानजनक काम है क्या? मैं सोनिया जी को बुलाऊं जो टीवी में एक्टिंग करना कोई अपमानजनक बात नहीं क्या? काम करती थी, अरे सोनिया जी इटली में क्या काम करती थी? बिना वजह आपकी संवेदनशील हो रहे हैं, सोनिया जी क्या काम करती थी? टीवी में एक्टिंग करना, टीवी में निकलेगा नहीं, टीवी में एक्टिंग करना कोई गुनाह है क्या? इटली में क्या काम करती थी? टीवी में एक्टिंग करना कोई गुनाह है क्या? अब आ गए, अब आप सोनिया जी को बुला गए और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं इटली में, आ गए सोनिया जी पे तुरंत और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। पूछा सोनिया जी क्या काम करती थी, आपको शर्म आ रही है? मैंने सिर्फ पूछा सोनिया जी क्या काम करती थी, आप तुरंत भर में नेहरू जी पे, मतलब स्मृति ईरानी को सोनिया जो नेहरू जी के बराबर लेके जा रहे हैं आप लोग,
आपको सोनिया जी ऐसा क्या काम करती थी इटली में जो आप बोलना नहीं चाहते हैं? पाताल से भी कहीं ज्यादा नीचे इस देश की राजनीति धरातल में पहुंच गई है। मर्यादा जैसे शब्दों के लिए कोई जगह बचती नहीं दिखाई देती है और इसीलिए मुद्दे पर बात नहीं होती है। स्मृति ईरानी, उनका बैकग्राउंड, ये अफसोसनाक है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम इस देश के नेताओं के लिए किसी के लिए भी करें, क्योंकि पहचान क्या है, किसकी है, उसमें उलझाकर दरअसल मुद्दों को छिपाने की कोशिश होती है। सबको कारपेट के नीचे धकेल दो, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सामना करना पड़ेगा सवालों का। देखते रहिए आज।